नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सिवड़ा ग्राम मदनपुरा में 850 ग्रामीणों को नहीं है सिंध नदी को पार करने के लिए पुल और रोड। आपको बता दें, देश आजाद होने के बाद भी सिवड़ा ब्लॉक के मदनपुरा ग्रामीणों को शासन की अव्यवस्थाएं की गुलामी जैसे जंजीरों में जकड़े हैं। आज तक नहीं मिली आजादी। आपको बता दें, महिलाओं की डिलीवरी और बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, ग्रामीणों को कई काम जैसे बाजार में आना जाना गुलाबी से कम नहीं लगता, क्योंकि सर्दी हो, कड़कड़ाती धूप या फिर बारिश, जब नदी पार करने के लिए नदी में घुसकर बाजार सिवड़ा आना पड़ता, तब हम ग्रामीणों को ऐसा होता कि अभी हम लोगों को आजादी नहीं मिली है। जब हम ग्रामीणों की महिलाओं को डिलीवरी के टाइम चढ़ी नदी में खटिया पर लिटाकर सिवड़ा अस्पताल में लाना पड़ता है, तब हम लोगों को एहसास होता है कि हम लोग अभी भी आजाद नहीं हैं। केवल इतना ही नहीं, कोई भी ग्रामीण साथी कर अपने गांव मदनपुर आता है, नए जोड़े को भी नदी पार करने के लिए पैदल ही निकलना पड़ता है, तब एहसास हो जाता है कि अभी भी हम लोग आजाद नहीं है। सिवड़ा संवाददाता ने जनपद CEO ओएन गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि मदनपुरा और सिवड़ा के बीच 6 से 7 किलोमीटर का अंतर है, इसलिए हमारी हाथ में नहीं आता और ये सड़क ग्रामीणों के लिए बहुत ही जरूरी है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण होगा। आपको बता दें, सिंध नदी पुल भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे। मैं संवाददाता राम बाबू सेवड़ा से। आज हमारे मदनपुरा गाँव के पास में मैं नदी किनारे खड़ा हूँ। ये है नदी, जो है ना, सिंध नदी है, मानी भाई नदी है, और हमारे यहाँ ग्रामीण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज की स्थिति ऐसी है कि बेचारे ये शादी करके आए हैं यहाँ पर, और अपनी बहू बेटी भी लेकर के आए हैं, तो इस तरीके से देखना है कि किस तरीके से ये निकलते हैं। और आए दिन तक यह ऐसी इनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आज दिनांक तक कोई सरकार ने इनके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया और न सुनी। चलिए मैं थोड़ा सा इन लोगों से बात करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? मनसाराम बघेल। जो कबू देखो करे, जो बात दूसरी हो रही तो हमें अब है ना रोकना है, समझ रहे? ठीक है, अब जा फिर से करना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मदनपुरा ग्राम पंचायत में रोड नहीं है सर जाने के लिए, लोग बाग बहुत परेशान है सर, और यहाँ तक कि नदी रास्ते में मिलती है तो सर उस पर भी कोई पुल या रिप्टा वगैरह कुछ भी नहीं बना सर, तो सर क्या कहना है आपको सर? मदनपुरा जो ग्राम पंचायत बनी है वो परसीमन के अंतर्गत खमरौली को तोड़कर बनाई गई है, और उस पंचायत में पिछले कुछ माहों में हम लोगों ने वहाँ पे एक शिविर लगाया था, तो उस समय ग्रामवासियों ने भी रोड की मांग की थी। उसमें कार्यपालन यंत्री सारे अधिकारी वहाँ पे थे। उसमें दो तरह की मांगे हैं, एक तो नदी से पार होकर जाना पड़ता है ग्रामीणों को, तो एक तो वहाँ पुल की मांग है, छोटा पुल बने लेकिन मांग है, और दूसरा जो अभी कच्चा रास्ता है तो उसमें सड़क बनने की मांग है। दरअसल वो दूरी इतनी ज़्यादा है कि ग्राम पंचायत की लिमिट से बाहर है। हम लोगों ने चर्चा की थी तो वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क में सर्वेक्षित हो चुकी है। नदी पार करने की जहाँ तक समस्या है तो माननीय सांसद महोदया ने उसमें 11 लाख रुपया नौका चलाने के लिए दिया है, जिसमें क्लब साहब की स्वीकृति मिल चुकी है। शीघ्र ही वो नौका क्रय करके और लोकार्पित की जाएगी ग्रामीणों को। जहाँ तक रोड की बात है तो इसमें हम RES में पुनः बात करेंगे कि उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है सर।